निफ्टी एक रेंज में है, मतलब 18,050 के नीचे जब तक नहीं तोड़ता है तो तब तक हम लोग सेफ है ये समझो, और ऊपर की तरफ 18,170 इसको अगर ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट लेवल हम लोग देख पाएंगे, तो इस रेंज के अंदर है, तो 18,170 और 18,050 तो ये रेंज के अंदर अभी हम लोग ट्रेड करें, और हो सकता है कि अगले 2-3 दिन करें, क्योंकि पहला चीज फेड का मीटिंग आ रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, और नेक्स्ट है यूएस में एक मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है तो उसका भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या होता है रिजल्ट्स वगैरह, और मुझे नहीं लगता है कि फेड इस बार बहुत अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन में नहीं तो मार खाने वाले हैं बाइडेन साहब, और फिर यूरो जोन का भी कुछ नंबर्स वगैरह आएंगे, तो इसके लिए लग रहा है कि हाँ इंटरनेशनल बाजार एक रेंज में रहेगा, लेकिन अंडरलाइंग जो जो प्रॉब्लम्स थी उसमें पक्का सुधार आ रहा है, तो इसके लिए अपना बाजार अच्छा करना चाहिए। जी सर, अगर कोई टाइम फ्रेम आप बता सके कि किस टाइम फ्रेम तक हमें जो निफ्टी के अपने टारगेट बताए वो हमें क्रॉस दिख सकते हैं? नहीं, ये तो देखो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम इसके लिए चाहिए नहीं है, जो मैंने रेंज बोला अभी 18,100 तो 50 पॉइंट ऊपर बोला है, 50 पॉइंट नीचे बोला है और 60-70 पॉइंट ऊपर बोला है, ये तो आज भी हो सकता है, तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है इसमें, बस इस रेंज को तोड़ना है, अब किस साइड में तोड़ता है ये हमको वेट करके देखना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि ये तोड़ देगा आज कल परसों तक, कभी भी ये तोड़ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। जी तो ये बात हुई निफ्टी 50 की। सर बैंक निफ्टी कैसे देख रहे हैं इस वक्त? देखिये बैंक निफ्टी तो मैं लास्ट टाइम भी आपके शो पे मैं बोल रहा था कि बैंक निफ्टी पे मैं ज्यादा बुलिश हूँ, और उधर अभी भी करेक्शन नहीं दिखा है, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मतलब बैंकिंग सेक्टर से वो अब तक अच्छे ही आए हैं, और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये सेक्टर अच्छा ही करने वाला है, तो आई थिंक बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है, और निफ्टी में भी देखिए बहुत एक हद तक मतलब ऑलमोस्ट अब अगर आप एनर्जी और फाइनेंशियल्स ले लो तो ऑलमोस्ट 40-50% निफ्टी का तो खाली उसी में है, तो इसके लिए क्योंकि फाइनेंशियल्स अच्छे कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में स्टेबिलिटी है, और बैंक निफ्टी में मतलब सॉरी नॉर्मल निफ्टी में स्टेबिलिटी है और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है क्योंकि फाइनेंशियल्स अच्छे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से अच्छा ही करेगा, बहुत बड़ा डिप का मैं कोई ये नहीं देख रहा हूँ। हाँ कल को अगर आज शायद आज रात को है अगर फेड बहुत अग्रेसिवली वापस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जो मुझे नहीं लगता बढ़ाएगा, समझ लो 0.75 या 0.5 बढ़ाता है, तो हो सकता है एक बार का टिप वापस ग्लोबल बाजार में देखने को मिले, लेकिन वो टेम्पररी रहेगा और अपना बाजार बाय ऑन डिप्स ही रहने वाला है। जी तो ये तो बात हुई सर निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में।